तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एरे फॉर्मूला की, और एरे की हमारी तीसरी क्लास है, राइट। तो एरे की हमारी ये तीसरी क्लास है और इसमें हम बात कर रहे हैं कंडीशंस के बारे में, कुछ कंडीशनल्स जो है परफॉर्मेंस हम कैसे करेंगे और हम एरे कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले हम लास्ट क्लास में आपसे कुछ सवाल पूछे थे। सवाल क्या था कि हमें दो नंबर्स को आपको आपस में सम करना था, राइट। हेलो, जैसे हमने बोला था कि मैंने यहाँ पे 1 5 6 किया, तो हमने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया, मिड का फॉर्मूला लगाया, मिड, और हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला एक यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3, और यहाँ पे हमने कॉमा 1 कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 1 किया और एंटर प्रेस किया तो सम आया। तो इतना तो सिखाया था आपको, इतना समझ में आ गया था। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें अभी क्या है कि 4 डिजिट होगा तो दिक्कत होगी, 5 डिजिट होगा तो दिक्कत होगी, तो कैसे करेंगे, उसका सलूशन क्या है। देखिए, मेन फॉर्मूला, मेन प्रॉब्लम किसमें है, मेन प्रॉब्लम है ये जो 1 2 3 जो आ रहा है कर्ली ब्रैकेट में, उसको हमें ऑटोमेट करना है कि ये नंबर के हिसाब से हो जाए क्या। इसके दो तरीके हैं। अगर हम पुराने एक्सेल की बात करें तो उसमें हम कुछ इस तरह से करेंगे कि मिड हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में नहीं, यहाँ पे रो, रो के अंदर, रो फॉर्मूला बताया था, रो फॉर्मूला में मैं 1 से लेके अभी क्या है 5 है, इस 5 को ले लिया एंड कॉमा 1 कर दिया, देन मल्टीप्लाई बाई 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो रिजल्ट 18 आ। अब ये 18 आ कैसे रहा है, तो चलिए इसके लिए हम फॉर्मूला एवलेट करके इसकी प्रोसीजर को समझते हैं। तो रो फॉर्मूला ने क्या लिखा, 1 से 5, तो 1 से 5 एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में 1 से 5 नंबर दे दिया, जो कि जनरली हम यहाँ लिखते हैं। क्या प्रशंसा जी, समझ में आया आपको। तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 1 से 5 1 से 5 1 1 2 1 2 3 5 5 लिखे, उससे अच्छा है कि आप रो 1 2 5 लिखते इस तरह से, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब इसमें प्रॉब्लम आएगी, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया कि भाई कर्ली ब्रैकेट में रिजल्ट हमको मिल जा रहा है, देखिए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना। तो पहली प्रॉब्लम थी कि हमें इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में कहाँ से मिलेंगे, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में इनपुट के लिए रो का फॉर्मूला लगा। अब दूसरा इसमें आता है कि 5 जो है ऑटोमेट हो जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमारे पास लेन का फॉर्मूला है, इस 5 को डिलीट करेंगे, एन परसेंट करेंगे, लेन का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सिलेक्ट कर, क्या सर। बट ये क्या, ये एरर दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि रो कहता है कि हमें रेफरेंस दीजिए और हमने एन परसेंट लगा दिया, तो क्या बन गया, टेक्स बन गया ना सर। तो इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो कि टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, यहाँ पहले लेन चला, लेन ने लेंथ निकाला 1 2 5, फिर 1 से लेके 5 तक ये हो गया, और जैसे एवलेट कर रहा है 1 2 5 मिल रहा है, लेकिन किससे मिल रहा है, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो यहां पे एक बार एवलेट करेंगे तो इनडायरेक्ट चला और 1 से 5 दे दिया कर्ली, इसमें रेफरेंस फॉर्मेट में इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, ठीक है सर। तो फिर रो 1 से लेके 5 तक टूट गया और यहां पे आपको रिजल्ट दे, समझे। अब इसके अंदर 5 डिजिट हो
या 6 डिजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझे? अभी फॉर्मूला में किसी को डाउट है? प्रशंसा जी, देखिए इसका एक तरीका तो ये है, अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो इसका एक और तरीका है। क्या है कि रो फॉर्मूले में हम देते हैं, रो यूज कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला आता है सीक्वेंस का। सीक्वेंस में हम अगर हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, तो बोलते हैं कि रो एंड कॉलम। तो मैंने बोला कि एक कॉमा दे दिए कॉलन, मैंने बोला एक से स्टार्ट करो और कितने नंबर रो चाहिए स्टार्ट इसमें। हाँ, इसमें हमें एक रो 5 कॉलन स्टार्ट एक से करना है और एक एक का गैप रखना। आ गया सर? दोबारा बताता हूं, सीक्वेंस हमने बोला कि हमें इसमें 5 रो चाहिए, 0 कॉलम चाहिए, एक से स्टार्ट करना है और एक स्टेप में एक के साथ एक गैप रखना। ठीक है? सॉरी, यहाँ एक कॉलम में एक करना पड़ेगा, 1 कॉलम तो होना ही चाहिए। रिजल्ट तो सेम चीज हम यहां भी यूज कर सकते हैं, जो यहां यूज किए ना वो तो यहां भी यूज कर सकते हैं। हम यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला सम मिड, टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, सीरीज सॉरी सीक्वेंस, सीक्वेंस हमने बोला एक रो और कॉलम कितना होना चाहिए, तो हमने लेन लगा के इसको सेलेक्ट कर लिया कि 5 कॉलन होना चाहिए, स्टार्ट 1 से होना चाहिए और एक का स्टेप होना चाहिए। एंटर प्रेस कीजिए। आया सॉरी, इसके बाद इसको हमने सीक्वेंस को क्लोज कर दिया, मिड नंबर ऑफ फैक्टर दे दिया, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, एंटर प्रेस कर। तो बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। सर आपको देखिए यहाँ पे बताता है, यहाँ पे देखिए कि आपको रो चाहिए, रो में रो बाय चाहिए कि कॉलम बाय चाहिए, पहले समझिए। आपको सीक्वेंस रो बाय चाहिए कॉलम बाय चाहिए, और कॉलम बाय चाहिए तो कॉलम में 5 लिखना है, रो में 1 लिखना है, क्योंकि एक रो तो हो गई होगा ना सर। अगर आपको रो बाय चाहिए तो फिर कॉलम में 1 करना। अगर मान लीजिए कॉलम में 2 कर दिया ना, तो इसको 2 कॉलम में कर देगा। ठीक है? आपने समझे? इसलिए हमने कॉलम को 1 कर दिया। और स्टार्ट 1 में कि आपकी काउंटिंग कहाँ से, अगर मान लो मैं बोलूँ 10, तो 10 से काउंटिंग शुरू करेगा, और एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में कितना आ गया, एक, मतलब कि सीक्वेंस 1 2 3 चलेगा, 2 कर दूंगा तो 1 1 3 5 ऐसे जो होगा। समझ गए सर? तो ये आपके लिए या ये देखिए क्या 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 बोले आप। अच्छा, एक इसमें लास्ट में बोल रहे हैं आप स्टेप का, स्टेप 2 कर दीजिए, बता ना गैप हो जाएगा, 1 3 5 7 9। मैं 10 से स्टार्ट कर देता हूं तो 10 से शुरू होगा, 10 12 14 16 18। मैं यहां पे 2 कॉलम कर देता हूं तो 5 रो 2 कॉलम हो जाएगा। जी ठीक है, चलिए बैक टू टॉपिक। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ है, अब मैं यहाँ मान लीजिए कि पूजा का टोटल चाहिए, तो बोलेंगे सर इसके लिए तो हम सम इफ लगा लेंगे। क्या सम इफ लगाएं, सेलेक्ट किए पूजा, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किए, आ गया पूजा का टोटल। लेकिन मैं बोलता हूं कि मुझे पूजा एंड मोहन का टोटल चाहिए, और ये जरूरी नहीं कि पूजा मोहन जो ऊपर लिखा है वही होगा, ये पूजा सिंह भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे, लेकिन मेरा डेटा में पूजा है वो फिक्स है,
तो सम इफ के अंदर में आप रेंज को ले लिए और यही पे कर्ली ब्रैकेट में आप दे सकते हैं पूजा कॉमा मोहन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कीजिए और यहां पे सम इसका। लेकिन मुझे यहां पूजा प्लस मोहन का टोटल चाहिए एक में, तो उस केस में हम सम इफ को अलग अलग कर देंगे, सम इफ। और हमने बोला कि भाई ए जो है इक्वल टू, और कर्ली ब्रैकेट में बोल दिया कि पूजा, इन्वर्टर कॉमा देना पड़ेगा, पूजा कॉमा मोहन। अगर ऐसा होता है तो इस डेट को दीजिए, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है, एंटर मार दीजिए। रिजल्ट आ गया, आ गया 353। अब ये कैसे वर्क किया चलिए समझते हैं। सॉरी, एवलेट फॉर्मूला। तो एवलेट फॉर्मूला में किया तो सबसे पहले इसे चेक किया कि कहाँ कहाँ पे पूजा और मोहन है। जहां जहां पूजा और मोहन मिला वहां वहां पे उसने ट्रू कर दिया, ठीक है, और फिर जहां जहां ट्रू था वहां वहां उसकी वैल्यू को डाल दे। देख पाए 53, 35 दिख रहा है आपको सर? और फिर इसका इन्होंने बाद में सम को फॉल्स मिला, तो फॉल्स को तो सम से कंसीडर करता नहीं है, यहां पे ट्रू आ, ठीक है सर। तो इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ बड़ा चीजें हैं, मुझे इन चारों का टोटल चाहिए यहाँ पे, इन चारों का टोटल। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहता कि यहाँ पे सबका टोटल इंडिविजुअल लगाओ फिर टोटल करो, मुझे इकट्ठे यहीं पे टोटल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इक्वल हम करेंगे सम एफ, और हम इसको सिलेक्ट करेंगे अपने डेटा को और बोलेंगे कि इक्वल टू, हमने अपना रेंज ले लिया तो हमारा रिजल्ट ये होना चाहिए। कितने आ रहा है? हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, आप इस तरह से रेंज में नहीं रख सकते, आपको यहाँ रखना होगा तो कर्ली ब्रैकेट में अंदर रखना, ऐसे रेंज में नहीं रख सकते। क्या डिफाइन नेम लेता है? एक बार इसका नाम डिफाइन कर देता हूँ, डीडी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ डीडी। जी जैसे मैंने यहाँ पे किया ना ऐसा, इस तरह से कर ली बैठ में। समझे? अच्छा यहाँ देखिए, आज मैं ज्यादा नहीं